कैसे देते हैं? बाय रिकग्नाइजिंग, रिस्पॉन्डिंग, रिमेम्बरिंग फॉरेन एजेंट्स. इट इंक्लूड्स द लिम्फोइड ऑर्गन्स, टिश्यूज, सेल्स एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स लाइक एंटीबॉडीज. इट प्लेज रोल इन एलर्जिक रिएक्शन, ऑटोइम्यून डिजीज एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन. अब सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें लिम्फोइड ऑर्गन्स के. लिम्फोइड ऑर्गन्स कौन से हैं? द ऑर्गन्स वेयर ओरिजिन, मैच्योरेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स अकर्स. और ये दो तरह के हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स. जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं, यहाँ पर क्या होता है, इमेच्योर लिम्फोसाइट्स डिफरेंशिएट इनटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स. इमेच्योर लिम्फोसाइट्स का डिफरेंशिएशन होकर वो मेच्योर लिम्फोसाइट्स जो बनते हैं वो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर बनते हैं. और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर ये जो मेच्योर लिम्फोसाइट्स बने हैं ये माइग्रेट कर जाते हैं टू सम स्पेसिफिक ऑर्गन्स, जहाँ ये अपना एक्शन दिखाते हैं. तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में आ गया हमारा बोन मैरो एंड थाइमस. तो ये आप देख सकते हो बोन मैरो है और यहाँ पे बनेंगे लिम्फोसाइट्स. और ये है थाइमस. तो थाइमस जो होता है ये ब्रेस्ट बोन के पास होता है और हार्ट के नीचे होता है. और ये लार्ज होता है ड्यूरिंग बर्थ बट ग्रेजुअली रिड्यूसेस इन साइज एंड बिकम वेरी स्मॉल साइज इन प्यूबर्टी. और जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं उसमें क्या क्या आ जाएगा? स्प्लीन है, लिम्फ नोड्स हैं, टॉन्सिल्स हैं, पेयर पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैं, अपेंडिक्स है. ये सारे के सारे सेकेंडरी ऑर्गन्स हैं. और यहाँ ये साइट हैं, दीज आर द प्लेस, दीज आर द साइट जहाँ पे लिम्फोसाइट्स जो हैं वो एंटीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और इफेक्टर सेल्स बनते हैं. ये स्प्लीन है, देन वी हैव लिम्फ नोड्स. और जो लिम्फ नोड्स हैं ये स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर्स होते हैं पूरे के पूरे लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर. ये छोटे छोटे नोड्स जो हैं ये प्रेजेंट रहते हैं. इनका काम क्या होता है? ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रैप करके या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या दूसरे एंटीजन्स को ट्रैप कर लेते हैं. और ये जो ट्रैप्ड एंटीजन्स हैं फिर ये लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करते हैं ताकि इम्यून रिस्पॉन्स हो. नेक्स्ट वी हैव इट म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू. ये रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, यूरिनो जेनिटल ट्रैक्ट्स के अंदर ये लाइनिंग रहती है. और 50% ऑफ द जो लिम्फॉइड टिश्यू है दैट इज मेड अप ऑफ माल्ट और म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू. अब इम्यूनिटी है क्या? हमने लिम्फॉइड ऑर्गन्स पढ़ लिए, नेक्स्ट वी मूव ऑन. जो हमें पता है कि लिम्फॉइड ऑर्गन्स किस में हेल्प कर रहे हैं, क्या असिस्ट कर रहे हैं, दे आर असिस्टिंग इन द इम्यूनिटी. इम्यूनिटी क्या है? द ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द इम्यून सिस्टम टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स. इट इज ऑफ टू टाइप्स, इननेट एंड एक्वायर्ड. इननेट क्या होती है? जो फ्रॉम द राइट फ्रॉम द बर्थ होती है, जो हमारे पैदा होने के साथ ही जो इम्यूनिटी हमारे बॉडी के अंदर है ये इननेट इम्यूनिटी है. जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है दैट इज जो हमारे लाइफ टाइम में हमने एक्वायर की है उसको हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी. इननेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस है, वेयर एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी. इननेट इम्यूनिटी प्रोवाइड डिफरेंट बैरियर्स टू द एंट्री ऑफ फॉरेन एजेंट्स इनटू अ बॉडी. और ये किस तरह के बैरियर्स हो गए? फिजिकल बैरियर्स, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, सेलुलर बैरियर्स, साइटोकाइन बैरियर्स. फिजिकल बैरियर्स हैं स्किन हो गई, जैसे प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फॉरेन बॉडीज, म्यूकस कोटिंग ऑफ द लाइनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी, गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंड यूरिनो जेनिटल ट्रैक्ट्स टू ट्रैप माइक्रोब्स. तो ये आ जाते हैं. अब स्किन है, जैसे अब स्किन देखो, कोई चीज़ आपकी स्किन से अंदर नहीं जा सकती, राइट? हाँ, अंटिल एनलेस देर इज सम इंजरी और वूंड है तो चले जाएगा, बट अदरवाइज स्किन डज नॉट अलाउ एनीथिंग टू गो इनसाइड. और माल्ट की अपनी बात ही की थी कि उसकी म्यूकस कोटिंग होती है जो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैक कर लेती है. देन वी हैव इज थिकिन, दैट इज फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, जो कि स्टमक में एसिड हो गया, स्लाइवा हो गया, स्लाइवा के अंदर लाइसोजाइम्स होते हैं, टीयर है उसके अंदर लाइसोजाइम्स है, जो आइज में होते हैं, ये सारे के सारे प्रिवेंट कर रहे हैं. स्लाइवा हैज एंटी बैक्टीरियल एंजाइम्स, स्किन प्रिवेंट्स एंट्री एंड पूरा इसमें नहीं आया. स्टमक में पीएच है, लो पीएच होता है. क्यों होता है? क्योंकि वहाँ HCl है, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा है, जो HCl होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देता है. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू थर्ड वन, दैट इज सेलुलर बैरियर्स. तो सेलुलर बैरियर्स में कौन से आ जाएंगे? जो फेगोसाइट्स. फेगोसाइट्स क्या होते हैं? जो सेल्स होते हैं जो किल करते हैं या ईट अप द एंटीजन्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, लाइक WBC, न्यूट्रोफिल्स, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, मोनोसाइट्स,
नेचुरल किलर लिम्फोसाइट्स, ये सारे के सारे फेगोसाइट्स हैं, WBCs हैं। और फिर मैक्रोफेजेस जो होते हैं टिश्यूज़ के अंदर, वो भी फेगोसाइटिक एक्शन रखते हैं। तो ये सारे जो हैं एंटीजन्स को ख़त्म कर देते हैं। देन वी हैव साइटोकाइन बैरियर्स। अब जो सेल्स ऑलरेडी वायरस से इन्फेक्ट हो चुके हैं वो क्या करना शुरू कर देते हैं, वो एक प्रोटीन को सिक्रीट करना शुरू कर देते हैं विच इज़ इंटरफेरॉन। और जो इंटरफेरॉन होता है ये क्या करता है, दूसरे सेल्स को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन। तो इस तरह से चार तरह के बैरियर हमने देख लिए इननेट इम्यूनिटी के अंदर। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्सेज आर कैरिड आउट विद बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। तो बी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं विच फाइट द पैथोजन्स। और टी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, दे हेल्प द बी सेल्स टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। हमने बात की यहाँ प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स की। तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है जब कि फर्स्ट टाइम कोई भी एंटीजन बॉडी में एंटर करता है तो हमारे सेल्स जो हैं थोड़ा टाइम लेते हैं उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए। लेकिन वहाँ एक मेमोरी क्रिएट हो जाती है जिसकी वजह से अगर दोबारा कोई एंटीजन अटैक करे, वही पैथोजन अटैक करे, तो बॉडी इमीजिएटली उसको आइडेंटिफाई कर लेती है और ये जो सेल्स हैं बी सेल्स टी सेल्स, और ये इमीजिएटली रिस्पॉन्ड करते हैं। ये देखो अब ये जो है हमारे बी सेल्स हैं, यहाँ पे आया बैक्टीरिया विच इज़ एन एंटीजन इन दिस केस। और बी सेल्स ने देखा कि उसके जो एंटी रिसेप्टर्स हैं कौन बैक्टीरिया रिसेप्टर्स को जाके अटैच कर जाएगा। फिर क्या होता है कि बी सेल्स वेट करते हैं फॉर द हेल्पर टी सेल्स टू कम एंड एक्टिवेट देम सो दैट दे कैन इनिशिएट देयर एक्शन। और ये डिवाइड हो जाते हैं इनटू प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी सेल्स। प्लाज्मा सेल्स क्या करेंगे, फटाफट से एंटीबॉडीज बनाते हैं और एंटीबॉडीज बना के ये एंटीबॉडीज इनको जाके अटैच कर जाती हैं। और फिर जो सेल्स होते हैं हीटर सेल्स जो होते हैं वो इनको जो एंटीबॉडीज अटैच्ड बैक्टीरिया हैं उनको फटाफट खा जाते हैं, फेगोसाइट्स जो होते हैं दे ईट देम अप। और फिर मेमोरी सेल्स जो दूसरे सेल्स हैं, दूसरे टाइप ऑफ सेल्स यहाँ बने थे, वो क्या करते हैं, वो एक मेमोरी क्रिएट हो जाती है उनके अंदर, वो रिमेंबर करते हैं इन एंटीजन्स को कि किस तरह के एंटीबॉडीज बनेंगे अगर दोबारा से सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है, दोबारा से ये अटैक करते हैं। तो एंटीबॉडीज़ की हमने बात की, तो ये एंटीबॉडीज़ का स्ट्रक्चर है वो भी H2L2 मतलब हैवी चेन, दो हैवी चेन्स हैं और दो ही लाइट चेन्स हैं। देखो ये लाइट चेन्स हैं, डाइसल्फाइड बेजेस से अटैच होती हैं आपस में, ठीक है। H2L2 हम इनको बोलते हैं क्योंकि दो हैवी दो लाइट चेन्स हैं। और इसके अंदर IgA, IgG, IgM, IgE, IgD ये डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज जो हैं ये हमारी बॉडी के अंदर क्रिएट हो रहे हैं और जो इनको फाइट करते हैं। अब दो तरह के एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है, इम्यून रिस्पॉन्स, ये दो तरह के होते हैं। एक होता है ह्यूमरल यानी एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पॉन्स, जो अभी हमने देखा एंटीबॉडीज ब्लड प्लाज्मा के अंदर बनते हैं और इसी वजह से इनको ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। दूसरा है सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जिसको CMI हम कह सकते हैं, इसको कौन करेगा, टी लिम्फोसाइट्स करेंगे। तो हमारा जो ह्यूमरल रिस्पॉन्स था वो बी लिम्फोसाइट्स कर रहे थे, इनको टी लिम्फोसाइट्स करेंगे। और ये मेनली कहाँ पे आता है काम, जहाँ ग्राफ्टिंग होनी है, कोई ग्राफ्ट अटैच होना चाहिए, वो एनिमल से लिया है चाहे ह्यूमन बींग से लिया है, अगर वो ट्रांसप्लांट होना है तो उस टाइम पे बॉडी डिफ्रेंशिएट कर पाती है कि ये ग्राफ्ट अकॉर्डिंग टू द ब्लड मैचिंग, द टिश्यू मैचिंग, कि ये हमारे को सूट करता है नहीं सूट करता। सो दैट इज द एक्शन बींग डन बाय टी लिम्फोसाइट्स, क्योंकि बॉडी डिफ्रेंशिएट कर सकती है बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ।